Children, now let us continue with the next topic, flowers and fruits. So these are also one of the important parts of the shoot. Shoot mein ye bhi ek important part hai. Let us see about this. And before entering into this, before discussing these flowers and fruits, let us see figure 2.11 में आई है. अब सब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया. लेट अस वन सी द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, किस पार्ट का क्या रोल है ये भी देखते हैं अपन. द सन शाइन्स ऑन द लीव्स, अपन को ये पता है लीव्स के ऊपर सन शाइन करते हैं. देन व्हाट हैपेंस, द एयर एंटर्स थ्रू द होल्स ऑन द लीव्स. आपको पता है लीव्स में स्मॉल टाइनी होल्स विल बी देयर थ्रू विच द एयर एंटर्स. मतलब लीव्स को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेकन बाय द लीव्स थ्रू दिस स्मॉल होल्स. एंड इवन जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दे विल रिलीज ऑक्सीजन फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ना. वो हमारे लिए ऑक्सीजन भी देते हैं. सो हाउ द, वो ऑक्सीजन भी बाहर कैसे आता है, थ्रू दिस स्मॉल होल्स स्टोमेटा. द लीफ यूजेस इट्स ग्रीन कलर टू मेक फूड. ये भी आपको मैंने समझाया, लीव्स में एक ग्रीन कलर पिगमेंट क्या रहता है, क्लोरोफिल, जिसको यूज करके लीफ अपना खाना बना सकते हैं. द स्टेम, देखो इधर, हियर दिस इज द स्टेम. द स्टेम पासिस द वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स. सारे वाटर और मिनरल स्टेम लीव्स को देते हैं ताकि लीव्स अपना अच्छा से फूड प्रिपेयर कर सके. एंड स्टेम तक वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आएंगे, द रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. पहले रूट्स वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेंगे एंड दे विल गिव इट टू द स्टेम एंड अगेन द स्टेम विल गिव इट टू द लीव. सो एक एक अपना एक एक जैसा कि स्टेम ने पहले रूट्स ने लिया, फिर स्टेम को पास और किया, स्टेम लीव्स को देंगे, फिर लीव्स में जो होल्स है स्टोमेटा की थ्रू एयर एंटर होंगे, फिर दे विल ऑल्सो ट्रैप सनलाइट ऑल्सो. ये सब यूज़ करके लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इज इट ओके चिल्ड्रन. नाउ लेट अस सी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में लर्न करेंगे हम अभी. यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, इन योर हाउस एंड इन योर स्कूल. आपने बहुत तरह तरह की फ्लावर्स अपनी गार्डन में या स्कूल में तो जरूर देखे ही होंगे ना. और डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड स्मेल. ये तो आपको अच्छा से पता है ना. इज आर ऑल द फ्लावर्स सेम, सब फ्लावर्स एक जैसा दिखते हैं? नो, दे विल हैव डिफरेंट शेप्स. दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड इवन इन डिफरेंट कलर्स. इफ़ यू टेक इवन रोज फ्लावर, इन हाउ मेनी कलर्स इट इज़ अवेलेबल. वी कैन गेट अ वाइट रोज, रेड रोज, येलो रोज, पिंक रोज, ऑरेंज रोज, इन सो मेनी कलर्स वी कैन गेट अ रोज. सो ऑल द फ्लावर्स आर डिफरेंट इन शेप्स, डिफरेंट इन कलर्स एंड इवन द स्मेल ऑल्सो वेरी डिफरेंट. देयर फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. Some are fragrant, means fragrance in sense क्या है, something gives us a pleasant smell. जो बहुत अच्छी जो खुशबू अपन बोलते हैं ना, that is nothing but fragrance. So कुछ flowers में बहुत अच्छे खुशबू देने वाले flowers होते हैं, जैसा मोगरा, night queen, jasmine flower जो है, night queen, उनकी fragrance बहुत अच्छा लगता है. Plants need फ्लावर्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स. हर प्लांट को क्या चाहिए, दे नीड फ्लावर्स, ताकि फ्लावर्स हो तो उसी में से फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे. फ्रूट्स कंटेन सीड्स, अंडरलाइन द वर्ड कंटेन, CONTAIN. कंटेन मीन्स उसमें होना, टू हैव. फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. आप कभी भी फ्रूट्स खाते हो तो ऑब्जर्व करिए, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स विल हैव सीड्स. में भी कुछ, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, बट एवरी फ्रूट विल कंटेन सम और अदर सीड्स. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट्स में तो एक ही सीड होता है. जैसा भी इन समर एवरीबडी कुड हैव एन्जॉयड द everybody could have enjoyed mango na, it will have only one seed. Some have many seeds, but in some fruits we can observe many seeds like papaya ko dekha ho to apne usme bahut seeds. And even in summers you could have enjoyed watermelon too, it will also have many seeds. The seeds are required to grow new plants. Again aapko ek plant jaisa badi hoegi ya uska fir thodi din baad plant kharab bhi ho sakta hai ya tree hogi after so many years, even the tree may also
फॉल डाउन, बट आपको जो भी प्लांट्स है उसका न्यू प्लांट्स को भी और भी न्यू प्लांट्स को ग्रो करनी हो तो हमारे लिए क्या चाहिए, वी नीड सीड्स, उनकी सीड्स हो तभी तो हम न्यू प्लांट्स को और लगा सकते हैं, इजंट इट। सो द सीड्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, सो अपन को न्यू प्लांट्स लगाना हो तो वी नीड सम आर अदर सीड्स। नाउ चिल्ड्रेन टर्न योर पेज, सी हियर, लेट अस सी हाउ अ फ्लावर ग्रोस इनटू ए फ्रूट। इसमें अभी एक फ्लावर एक फ्रूट जैसा कैसा ग्रो होता है, लेट अस गो थ्रू दिस इन डीप। सी द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी सी बर्ड्स, सबसे पहले आपको लीव्स में छोटी छोटी बर्ड्स दिखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड, बर्ड क्या होता है, कलियां, बर्ड्स मीन्स कलियां जो बोलते हो ना आप, वो है बर्ड्स, छोटी छोटी सी बर्ड्स आप देख सकते हो। जैसे आपके घर पे रोज़ प्लांट हो तो ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले आप एक छोटा सा स्मॉल बर्ड ऑब्जर्व करोगी, लीव्स के अंदर से छोटा सा बर्ड आएगी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, द बर्ड्स टर्न इंटू फ्लावर्स, फिर धीरे धीरे ये छोटी छोटी बर्ड्स जो है दे विल टर्न मीन्स दे विल चेंज इंटू फ्लावर्स, धीरे धीरे वो फ्लावर्स बन जाते हैं। Soon the flowers fade away. What happens? Soon the flowers fade away. What do you mean by fade? Fade means to lose color. अपनी color खो जाते हैं. Soon मतलब बहुत ही जल्दी. Flowers बहुत दिन मतलब उसी वैसी plants में नहीं रहते हैं, थोड़ी दिन रहेंगे, after that they will get fade away. मतलब वो अपनी color lose करेंगे, and after losing the colors what happens in the fourth step? The petals drop off. क्या होते हैं flowers की जो भी petals होते हैं, petals means पंखुड़ियाँ, जो भी पंखुड़ियाँ होते हैं ना flowers की, वो भी drop off होते हैं, मतलब the flower will shed off their petals, वो petals सारे गिर जाते हैं। So this is the fourth step. After that what we can see, फिफ्थ स्टेप में देन वी कैन सी स्मॉल ग्रीन फ्रूट। जैसा पहले बर्ड फॉर्म हुआ, बर्ड से वी गॉट अ फ्लावर, आफ्टर दैट फ्लावर्स ऑल्सो विल सून फेड अवे, ये फ्लावर्स भी फेड अवे हो गया, देन वॉट हैपन्स, द पेटल्स ड्रॉप्स ऑफ, सारे पेटल्स नीचे गिर गए, देन ये सब होने के बाद यू कैन ऑब्जर्व ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट, एक छोटा सा ग्रीन कलर की फ्रूट आप देख सकते हो। The fruit grow and ripen, धीरे धीरे फ्रूट, छोटी सी फ्रूट रहेगी पहले, फिर धीरे 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 इट विल ऑल्सो ग्रो जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी ग्रोस इंटू अ चाइल्ड एंड देन इंटू एन एडल्ट इन द सेम वे, फ्रूट भी छोटा रहेगा, धीरे 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 ग्रो होगा एंड इट विल ripen. Ripen means to be fully grown. एक स्टेज आने के बाद कंप्लीट जो ग्रोथ हो जाता है, इन द सेम वे द फ्रूट विल ऑल्सो गेट ripen. मतलब रेडी टू ईट होगा वो आपकी। Then fruit have seeds in them. After fruit होने के बाद ऐसी रह जाएगी क्या, fruits तो सब कट करेंगे, नहीं सॉरी नॉट कट, fruits को सब प्लांट से निकालेंगे, फिर वो मार्केट में आएंगे, फिर हम खाएंगे उसको, तो कैसा खाएंगे, we'll cut the fruits and we can see the seeds in them. हम उसके अंदर की सीड्स देख सकते हैं। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, अगेन हम इन्हीं सीड्स को कहीं पे भी अच्छी सॉइल देख के, उधर अगर आप अच्छा से उसको सीड्स को रखेंगे तो यू कैन गेट सम न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स। सो अगर आपकी घर में गार्डन की प्लेस हो तो ज़रूर आप ये काम कर सकते हो। वट एवर द फ्रूट्स दैट वी आर ईटिंग, यू कैन यूज़ दो सीड्स टू गेट अ न्यू प्लांट, बट उसके लिए प्रॉपर कुछ कंडीशंस चाहिए, प्रॉपर एयर, ये सब आप दे, एयर सनलाइट एंड वाटर, ये सब प्रॉपर कंडीशन सब देंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। सो चिल्ड्रन राइट द नेम्स ऑफ टू फ्रूट्स दैट हैव वन सीड एंड टू फ्रूट्स दैट हैव मेनी सीड, सो दिस इज योर वर्क। आपको टू फ्रूट्स लिखना है जिसमें वन सीड होगा, उसमें मैंने लिखा मैंगो एंड प्लम्स, मैंगो विच इज़ किंग ऑफ फ्रूट्स, देन प्लम्स, मोस्टली इन रेनी सीजन वील गेट दीज प्लम्स, जामुन जो बोलते हो, है ना। नेक्स्ट मैनी सीड्स किस किस में, पपया, वाटर मेलन एंड इन सो मैनी ग्वावा, बहुत सारा फ्रूट्स में आपको मैनी सीड्स भी मिलेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है जहाँ से बर्ड्स फॉर्म होंगे, बर्ड्स इंटू फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स धीरे धीरे फेड हो जाएंगे, देन उसकी पेटल्स भी गिर जाएंगे, देन वी कैन सी अ स्मॉल फ्रूट, दिस फ्रूट विल ग्रो and will become ripened, then we'll have the fruit, we'll cut it and whatever the seeds are there inside the fruit we'll get a new plant from the seeds. Is it okay children, is it clear for you? Now let us see the seeds.
ये सीड्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के बारे में भी हमने लर्न किया. लेट अस सी मोर अबाउट सीड्स. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट दी सीड्स विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ए बेबी प्लांट इज हिडन इनसाइड अ सीड. इनसाइड अ सीड व्हाट वी कैन सी, अ बेबी प्लांट. व्हाट वी कैन सी, अ बेबी प्लांट. हिडन, अंडरलाइन दिस वर्ड टू चिल्ड्रन. हिडन मीन्स छिपा हुआ. सीड के अंदर एक छोटी सी बेबी प्लांट छिपा हुआ दिखता है आपको, है ना. अ सीड ऑल्सो स्टोर्स फूड. जैसे कि अपनी प्लांट की हर पार्टी फूड को स्टोर करते हैं, किसी में रूट्स में, किसी में स्टेम में, किसी में लीव्स में, एंड इवन दिस सीड में भी फूड स्टोरेज होता है. किसके लिए, फॉर द बेबी प्लांट. छोटी प्लांट के लिए सीड भी फूड स्टोर करके रखती है. वी ऑल्सो ईट सम सीड्स. हम तो कुछ सीड्स को भी डायरेक्टली खाते हैं, जैसा कुछ रूट्स को हम खा रहे हैं, कुछ लीव्स को, कुछ स्टेम्स को. इन द सेम वे वी ऑल्सो ईट सम सीड्स टू. कैन यू नेम सम, आप कुछ सीड्स की नेम्स लिख सकते हो क्या. कॉर्न, वट इज़ दैट, स्वीट कॉर्न वगैरह जो अपन खाते हैं ना, कॉर्न, भुट्टा, पीस, मटर, बीन्स एंड इवन वीट, राइस, ये सब जो हो ग्रेन्स हम खाते हैं, ये सब भी सीड्स ही तो हैं. सीड्स को ही हम जो डायरेक्टली खाते हैं. सो चिल्ड्रन सी हियर इन फिगर 2.12 ग्रोथ ऑफ अ सीड इंटू अ न्यू प्लांट. आप इधर एक अच्छा सा पिक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसमें आपको ये समझ में आएगी कि एक सीड से एक न्यू प्लांट कैसा ग्रो होता है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओनली अ सीड. ओनली आप सिर्फ एक बीज को देख सकते हो. फिर धीरे धीरे जब इसको अपने सॉइल में रखा, प्रॉपर एयर एयर सनलाइट एंड वाटर दिया, यू कैन सी अ स्मॉल थिन हेयर रूट. देखो एक पतला सा छोटा सा हेयर रूट नहीं आया सेकेंड सीड में, हल्का सा. यस, आफ्टर दैट देखो थर्ड सीड में धीरे धीरे जब व्हेन द डेज गो ऑन, ये रूट्स और अच्छा से ग्रो होएंगे और हल्का सा एक छोटी सी ग्रीन कलर की बहुत छोटी स्टेम आप देख सकते हो इन द थर्ड वन. नाउ व्हेन यू मूव टू दिस फोर्थ वन हियर, यू कैन ऑब्जर्व मोर फाइन रूट्स. बहुत अच्छे से रूट्स फॉर्म हुए और छोटी सी स्टेम भी आप आराम से देख सकते हो. सी इन अ ग्रीन कलर एंड सीड की देखो आउटर लेयर कोटिंग पूरा चला जाता है. After that, after few days, अच्छा एक स्टेम आपको बाहर दिखेगी एंड सीड की दोनों जो मेन पेटल्स है उसकी अंदर से आप छोटा सा वो प्लांट की लीफ, बेबी लीफ को देख सकते हो. बेबी लीफ, बहुत स्मॉल बेबी लीफ को, है ना. तो देखो नीचे तब रूट्स भी बहुत अच्छे स्ट्रांग हो गए हैं, स्टेम भी अच्छा से अपराइट डायरेक्शन में खड़े हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व अ बेबी लीफ. फिर धीरे धीरे सीड की जो लीव्स है दे विल फेड अवे, ये पूरा फेड अवे हो गया एंड दे विल ड्रॉप ऑफ. वो ड्रॉप ऑफ होके वी कैन सी अ स्मॉल न्यू बेबी प्लांट विथ लीव्स. अच्छा से दो लीव्स के साथ एक बेबी प्लांट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो. सो इन दिस वे सीड से हम एक न्यू प्लांट देख सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो टू ग्रो इनटू अ न्यू हेल्दी प्लांट, एक न्यू और हेल्दी प्लांट में ग्रो होने के लिए सीड को कुछ कंडीशंस चाहिए. मतलब वी हैव टू गिव सम प्रॉपर कंडीशंस टू द सीड. अपन को कुछ प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करनी है. व्हाट दे आर अ सीड्स नीड. सीड को क्या क्या चाहिए. वार्म्थ, मतलब गर्मापन चाहिए उसको, एंड लाइट ऑफ द सन. सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी. एयर, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ एयर चाहिए. वाटर, डेली वाटरिंग भी होना है. एंड इवन सॉइल, वेरी गुड फर्टाइल सॉइल हो तभी उसमें होएगा. ऐसा नहीं